जाति जनगणना के मुद्दे पर तो विधानसभा में विधान परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया, उस समय भी तो राजद, जदयू और बीजेपी लोग एक साथ थे। इसके छापेमारी का इस जातीय जनगणना से क्या संबंध है? कि लालू जी के समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी, और इतना ही नहीं तो लालू यादव के लोगों ने फाइल में से उस ज्ञापन के कागज को गायब करवा दिया। बिहार में भाजपा और जदयू के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, छापेमारी, इन तमाम चीजों को लेकर जदयू की चुप्पी कहीं ना कहीं भाजपा को पच नहीं रही है। अब इसको लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हरकत में आए हैं, और सुशील कुमार मोदी ने बैक टू बैक कई ट्वीट किए हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू के रिश्ते को लेकर भी बातें कही। सुशील कुमार मोदी का साफ मानना है कि अगर राजद जैसी पार्टी लालू प्रसाद यादव जैसे नेता के साथ कोई गठबंधन करने के लिए उतारू है तो वो कभी बिहार के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। सुशील कुमार मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया है, इसमें तमाम बातों का जिक्र किया है। सुनिए उनके बयानों को, किस तरीके से भाजपा जदयू के रिश्ते को बिगड़ते देख सुशील मोदी ने कमान संभाला। शिवानंद तिवारी जी ये बयान दे रहे हैं कि सीबीआई ने 14 वर्षों के बाद क्यों कार्रवाई की। मैं शिवानंद जी को बताना चाहूंगा कि जिस समय आप और ललन जी तत्कालीन प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह जी को ज्ञापन देने गए थे तो मनमोहन सिंह जी ने उस ज्ञापन को दबा दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि लालू जी के समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी। और इतना ही नहीं तो लालू यादव के लोगों ने फाइल में से उस ज्ञापन के कागज को गायब करवा दिया। और आप कहें कि 14 साल के बाद क्यों कार्रवाई हुई, मैं ये भी बता दूं कि 2017 में जब मैंने लालू यादव के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को उजागर किया था, इसमें लैंड फॉर प्रॉपर्टी ने जमीन के बदले संपत्ति वाला मामला भी जब खुलासा किया तो बिहार में लालू जी की सरकार चली गई थी और भाजपा जदयू का गठबंधन बना था। ये 14 साल पुराना मामला नहीं है, तो 2017 में ही इस मामले के कारण आपकी सरकार चली गई थी। और देखिए, सीबीआई को जब पुख्ता सबूत मिला और जब 2017 में हृदयानंद चौधरी, ललन चौधरी का मामला मैंने उजागर किया, तब उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज किया, प्रारंभिक जांच, ये करीब 9 महीना पहले ही दर्ज किया गया और तब कार्रवाई हुई है। उसका जाति गणना से क्या मतलब है? जाति जनगणना के मुद्दे पर तो विधानसभा में विधान परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया, उस समय भी तो राजद, जदयू और बीजेपी लोग एक साथ थे। इसके छापेमारी का इस जातीय जनगणना से क्या संबंध है? और एक बात याद रखिए कि नीतीश जी अब दोबारा कभी राजद के नजदीक नहीं जाएंगे, इस बात को भूलिए नहीं। और साथ ही साथ आज लालू जी की दुर्दशा आप ही जैसे लोगों के कारण है, जिन लोगों ने पहले ज्ञापन दिया, जिन लोगों ने पीआईएल दाखिल किया और अब उनके सामने दुम हिलाने का काम कर रहे हैं। तीसरे, देखिए, आपने जो ज्ञापन दिया, जो पीआईएल दाखिल किया, आज उसी का परिणाम है कि लालू यादव जेल में सड़ रहे हैं। तो अगर लालू जी की दुर्दशा का कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेवार है तो उस व्यक्ति का नाम श्री शिवानंद तिवारी है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।